नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देसी ट्रिक्स में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लंबाई कद को कैसे बढ़ाएं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये एकदम घरेलू नुस्खा है और बहुत ही सस्ता है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो आ जाए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाइयों, जिन माता पिता को लगता है कि उनके बच्चों की हाइट 6 फुट या उससे भी अधिक होनी चाहिए, तो वो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसके लिए आपको चाहिए दही, या दूध भी ले सकते हैं, और थोड़ा खाने वाला चूना, ये आप पान की दुकान से जाके ले सकते हैं। 1 रुपये या 1.5 रुपये या 2 रुपये में ये आपको डब्बी मिल जाती है, जो कि आपको कम से कम भी ये डब्बी आपकी चलेगी 1 महीने तक एक बच्चे के लिए। लेकिन इसका उपयोग बहुत ही सावधानी से करें। इसका इस्तेमाल आप, अगर आप बच्चे को जैसे दही दूध पिलाते हैं, तो उसमें आप इसको बस एक गेहूं के दाने के बराबर, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, ये लिया मैंने, खोल दिया इसको, और माचिस की तीली लेके उसको निकाल के, ए इतना बस, ये देखिए कितना आया इसमें, दिख रहा है? देख लीजिए, खूब अच्छे से देख लीजिए, और इसको इसमें मिला दिया, बस ज़्यादा नहीं, हल्का सा मिला दिया। और इसको मैं बंद कर देता हूँ, और इसको अब अच्छे से मिला दो। और इसके स्वाद से, दही के स्वाद में इसका कोई फर्क भी नहीं आएगा, और ये इतनी पूर्ति आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कर देगा बच्चों की, कि उनकी हाइट एकदम रातों रात बढ़ना शुरू हो जाएगी। परंतु ध्यान रखें, इसे दिन में केवल एक ही बार उपयोग करें, और ज़्यादा मात्रा में इसको उपयोग ना करें। और 12 साल के बच्चे से ज़्यादा के बच्चे पर ही, उम्र हो जिसकी 12 साल, उसी बच्चे पर इसका उपयोग करें, क्योंकि अगर ये छोटे बच्चे और उनको जाता है चूना, तो इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। पर 12 साल के बाद इतना इस्तेमाल करें, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, और ऊपर से बच्चे की लंबाई बहुत ही रातों रात बढ़नी शुरू हो जाएगी। और दिन में एक ही बार इसका इस्तेमाल करें। और एक बात और ध्यान से बता देता हूँ दोस्तों, माताएं बहनें इसका उपयोग ज़रूर करें, सप्ताह में 3 बार कम से कम, जिससे कि उनके हड्डियों में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में माताओं बहनों में कैल्शियम की बहुत कमी पाई जाती है, और इसके इस्तेमाल से सारी कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, और उनकी हड्डियों से रिलेटेड जो भी परेशानियां होती हैं उनको कभी नहीं होगी, और हड्डियां उनकी बहुत ही मजबूत हो जाएंगी। तो धन्यवाद देता हूं दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।